हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और अगर आप लोगों ने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो अब तक आप लोगों ने रिजल्ट भी अपना चेक कर लिया होगा और रैंक भी आपको पता चल गया होगा कितना आपका रैंक आ रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे काउंसलिंग कैसे कराया जाए, तो काउंसलिंग में आपकी फ़ीस की प्रॉब्लम हो रही होगी, कितनी फ़ीस होगी प्राइवेट कॉलेज की, कितनी सरकारी कॉलेज की फ़ीस होगी, कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कट ऑफ भी हम लोग यहाँ पर इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर भी इसी में पार्टिसिपेट कर रही है, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि इस बार का जो है यूपी बीएड एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराया गया जिसके द्वारा, फिर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। ठीक है, अब यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी आपकी है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ जो ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है आप लोगों का बीएड के कोर्स के लिए एडमिशन लेने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था, तो ये आउट ऑफ 400 में से कितना मार्क्स आपका कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 342 से 347। ठीक है, कट ऑफ गया था। अब यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 213 से 218 के बीच में था। नेक्स्ट एसटी का कट ऑफ की बात करें हम अगर, तो 211 से 216 के बीच में ये जो है कट ऑफ गया था और ये कट ऑफ जो है इतना मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, अपने चॉइस का गवर्नमेंट कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया था काउंसलिंग के थ्रू जो है। अभी वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कितना जो है काउंसलिंग फ़ी या फिर टोटल फ़ी आपका लगने वाला है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। ठीक है, तो यहाँ ओबीसी का कट ऑफ की अगर बात करें तो 340 से 345 कट ऑफ गया था पिछले साल। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो लोग फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं उनको 312 से 317 पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, तो ये कट ऑफ इतना गया था। अब बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड जिसके हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में PH, उनका कट ऑफ गया था 210 से 215 का। ठीक है, यहीं पे EWS की कट ऑफ की अगर बात करें तो ये गया था 357 से 362, इतना मार्क्स लाने पे ही जो है कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। अब एक सर्विसमैन की बात करें तो 318 से 323 मार्क्स लाने पर कैंडिडेट को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। अब इस साल जो है समीकरण आपका बदल गया है और 2022 में जो फॉर्म लगभग 6 लाख से ऊपर फॉर्म आपके फिलअप हुए हैं, तो इस साल जो आपका पेपर हुआ था पेपर टू थोड़ा सा टफ बन गया था और जिस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ आपके डाउन जाने के चांसेस हैं। तो इस साल का जो कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी का, तो 325 से 335 के बीच में आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है इस बार, इससे ज़्यादा बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाने वाला है और यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट तो गवर्नमेंट कॉलेज पाने के चांसेस आपके भरपूर हैं। और यहाँ पे एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 200 के आसपास रहने के आसपास 210, ठीक है 200 प्लस माइनस 10 मान के चलिए आपका कट ऑफ रहने वाला है एससी कैटेगरी का। यहीं पे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 195 प्लस माइनस 10 कर लीजिए। ठीक है, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 195 प्लस माइनस 10 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब यहीं पे ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी का कट ऑफ जो है 320 प्लस माइनस 10, ठीक ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, 320 प्लस माइनस 10 पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं और ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं तो अपने चॉइस की जो है गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इनका जो कट ऑफ 300 के आस पर आने वाले हैं, 300 प्लस माइनस 10 कर लीजिए। ठीक है, 300 प्लस माइनस 10 आपका कट ऑफ जाने वाला है। अब PS की बात करें तो PS कैंडिडेट के लिए भी 200 प्लस माइनस 10 कर लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 200 प्लस माइनस 10 ही आपका कट ऑफ रहने वाला है PS कैंडिडेट के लिए। ठीक है, नाउ EWS की बात करें तो EWS का जो कट ऑफ पिछली बार गया था देखिए 357 से 362 जो कि साल डिक्रीज होने वाला है आपका 340 प्लस माइनस 10 आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है, पूरी पूरी चांसेस हैं कितना स्कोर कर रहे हैं आप तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। यहीं पर एक सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो एक सर्विसमैन को 300 प्लस माइनस 10 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, एक सर्विसमैन इतना स्कोर कर रहा है अगर तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉलेज टाइप और फर्स्ट ईयर का फीस क्या हो सकता होगा और सेकंड ईयर का फीस क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले काउंसलिंग की बात करें। काउंसलिंग में आपको 5,000 जो है सिक्योरिटी फ़ी देनी होगी, ठीक है, और 750 जो आपका होगा ये काउंसलिंग फ़ी होगा। अगर आपको आपके चॉइस का कॉलेज नहीं लॉक होता है, अलॉट नहीं होता है, तो आपका जो ये 5,000 है ये रिफंडेबल है, वापस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 750 जो है आपका काउंसलिंग फ़ी है, ये आपका रिफ़ंड नहीं होने वाला, चाहे आपका कॉलेज अलॉट हो या ना हो, आपका ये जो 750 है ये रिफ़ंड नहीं होने वाला। तो ये 5,000 जो है ये आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फीस की बात करें तो फीस प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी है वो 51,250 है अप्रॉक्सीमेट, इतना फीस आपका रहने वाला फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का जो रहने वाला वो 30,000। ठीक है, सेकेंड ईयर का फीस जो है 30,000 आपका रहने वाला है प्राइवेट कॉलेज का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस, तो 15,000 में आपका सब कुछ निपट जाएगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर में आपको केवल 12,000 ही फीस जो है देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की हो गई, ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ी आप हो गई, लेकिन 750 जो आपका नॉन रिफंडेबल है, याद रखिए। अगर आप लोग काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 750 जो है आपका ये नॉन रिफंडेबल है, और 5,000 जो है अगर आपका सीट जो है अलॉट नहीं होता है तो 5,000 आपका रिफंड हो जाएगा। अगर सीट अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी ये आपका फ़ी जो है रिफंड नहीं होगा, आपका फ़ी रिफंड उसी केस में होगा जब आपका जो है चॉइस अलॉट नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, और चॉइस जो फिल कर रहे होंगे आप अपने एडमिशन लेना है जिसमें, उसी को जो है चॉइस में फिलअप करेंगे, अन्यथा आपका 5,000 जो है ये डूब जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और काउंसलिंग का जैसे ही शेड्यूल जारी हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो अपलोड करूँगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।